अपाचे अउ चिनुक ले काबर कांपत हे पाकिस्तान। भारत के वायुसेना के बेड़ा में शामिल होवैया दू महारथी यानी अपाचे AH-64 और चिनुक CH-47 आई ले पाकिस्तान ह कांपत है। काबर की दोनों हेलीकॉप्टर के मुकाबला दुनिया में नहीं है। अपाचे है जिहा अमेरिकी फाइटर हेलीकॉप्टर आए, उन्हें चिनुक है घलो अमेरिका द्वारा तैयार बोइंग हेलीकॉप्टर आए। तो आप मन ला जानना जरूरी है कि दोनों हेलीकॉप्टर के का खासियत है और काबर आतंकिस्तान के पसीना हाँ एखर ले छूटत है। ये वीडियो ला आखिरी तक देखो काबर की भारत के दोनों महारथी के बारे में विस्तार ले बतावत हन। तसंगी हो वीडियो ला देखे के पहली आप मन हमर चैनल ला सब्सक्राइब कर दुहू और बेल आइकॉन के बटन ला घलो चपक दुहू। ऐसने हमन हमर भाखा मा आप मन ला रोचक जानकारी देत रहिबो। तो सबले पहली बात करथन अपाचे के। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू क्षमता बढ़ाए बर 8 अमेरिकन अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर ला हमर वायुसेना के बेड़ा मा शामिल करेगे है। अपाचे दुनिया के सबले उन्नत और बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर आए जेकर इस्तेमाल अमेरिकी सेना हा करत है। ये हेलीकॉप्टर मा ऐसे कई खूबी हावे जेन हा दूसर लड़ाकू हेलीकॉप्टर ले बेहतर है। ये ऑपरेशन हेलफायर मिसाइल और रॉकेट लगे है। एक हेलीकॉप्टर में ऐसा 8 हेलफायर मिसाइल और 19-19 रॉकेट के 2 पॉड लगाए जा सकते है। उन्हें एमा लगे कैनन गन ले एक साथ 1200 राउंड के फायरिंग घलो करे जा सकते। 280 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले उड़ान भरैया ए हेलीकॉप्टर मा 30 मिलीमीटर के 2 गन घलो लगे है। एकर उड़ान के क्षमता 550 किलोमीटर है। एक बार मा 3 तक यह हवा मा रही सकते। चाहे दिन रहे चाहे रात ए हेलीकॉप्टर ले दुश्मन के ठिकाना मा हमला करे जा सकते। उन्हें हर तरह के मौसम में काम करे में ये हेलीकॉप्टर हा सक्षम है। और सबले बड़े बात ये हेलीकॉप्टर के ये हरे कि दुश्मन के रडार में घलो यह नहीं आवे, उन्हें टारगेट में अचूक निशाना घलो यह करते। 2 वाला ये हेलीकॉप्टर ला 2 उड़ा सकते। एक इंजन खराब हो जाही तो दूसर इंजन ले एला उड़ाए जा सकते। पायलट के सुरक्षा के घलो इंतजाम है। एखर कॉकपिट मा ऐसे मशीन लगाए गए है जेखर ले ओला भेदना मुश्किल है। क्रेश होए ले बचाए बर घलो खास सिस्टम लगे है। काबर कथे दुनिया के सबले घातक हेलीकॉप्टर। नंबर 1, 550 किलोमीटर फ्लाइंग रेंज। नंबर 2, 16 एंटी टैंक मिसाइल दाग के दुश्मन के परखच्चा उड़ा सकते। नंबर 3, दुश्मन ऊपर बाज जैसे हमला करके निकले बर तेज रफ्तार। नंबर 4, 30 mm के 1200 गोली एक बार मा दागे जा सकते। नंबर 5, दुश्मन के रडार ला दे देते चकमा। नंबर 6, डिजिटल कनेक्टिविटी और संयुक्त सामरिक सूचना वितरण प्रणाली अत्याधुनिक है। नंबर 7, मानव रहित हवाई वाहन यानी टोही विमान ला नियंत्रित करे मा माहिर। नंबर 8, बेहतर लैंडिंग गियर, क्रूज गति, चढ़ाई दर और पेलोड क्षमता मा वृद्धि एकर विशेषता है। नंबर 9, 21,000 फीट ऊंचाई मा उड़े के क्षमता। और नंबर 10 है हेलीकॉप्टर और स्ट्रिंगर मिसाइल ले लेस। तब ऐसन खूबी रही तो दुश्मन कहाँ एकर सामने टिक पाही। अब हमन बात करथन दूसर हेलीकॉप्टर के जेकर नाम है चिनुक। चिनुक के ऊपर दुनिया के 26 देश भरोसा करत है।
अमेरिकी कंपनी बोइंग डहर ले बनाए गए चिनूक CH-47I हेलीकॉप्टर घलो पहली ले भारतीय वायुसेना के बेड़ा में शामिल हो गए है। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना के अलावा कई देश के सेना में सक्रिय भूमिका निभावत है। भारतीय क्षेत्र में घलो ये हेलीकॉप्टर के विशेष उपयोगिता हो ही। चिनूक हेलीकॉप्टर हा बहुउद्देशी वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर आए जेकर इस्तेमाल सैनिक हथियार उपकरण और इंजन ढोए मा करे जाते। आप मतलब बता दें कि बोइंग CH-47 चिनूक डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर आए। ये हेलीकॉप्टर करीब 315 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले उड़ान भर सकते। वर्तमान मा यह अमेरिका के सबले तेज हेलीकॉप्टर में ले एक है। चिनूक एक एडवांस मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर आए जिन्हा भारतीय वायुसेना ला बेजोड़ सामरिक महत्व के हैवी लिफ्ट क्षमता प्रदान करही। मतलब एमा सैनिक मल्ला एती ओती ले जा सके जाही, बल्कि ओखरे संगे संग टैंक और कई सामान ला घलो ठिकाना मा पहुंचा सके जा सकत है। एह सहायता और लड़ाकू दोनों भूमिका मा काम आही। ऊंचाई वाला इलाका मा भारी वजन के साजो सामान के परिवहन मा एकर महत्वपूर्ण भूमिका होही। संगी हो ये वीडियो आप मन ला कैसे लगिस बताहू हमर कमेंट बॉक्स मा। और आप मन अगर हमर चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर दूहू, काबर हमन ऐसन वीडियो आगे घलो लावत रहिबो।